Subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest Bollywood news. रुचि दिखने लग गई थी उनकी जब वो लता जी के गीत और मीरा के भजन सुन के शांत हो जाया करती थी और उसके बाद बचपन से ही संगीत में अभिरुचि उन्होंने दिखाई. मात्र 4 वर्ष की उम्र में पहली बार स्टेज पर रीवा ने पदार्पण. रूप कुमार राठौर जी से निवेदन करती हूँ वे आदरणीय गुरुजनों का भी स्वागत करें इस मंच पर. इसके पश्चात पंडित राजन मिश्र, पंडित साजन मिश्र जी, प्रसन्न वारियार जी, अमृता फडणवीस जी, सभी लोग कृपया मंच के मध्य में पधारें. श्री जतिन पंडित जी, श्री ललित पंडित जी, सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी. वी हैव अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स ऑन स्टेज. उषा मंगेशकर जी, वो भी मंच पर पधारे. ये एक कितना बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण है मुझे लगता है. संगीत के इतने बड़े दिग्गज, सभी रत्न इस मंच पर मौजूद हैं. एक बार करतल ध्वनि, जोरदार तालियां इन सभी के लिए. भावना सोमैया जी कृपया पधारे, मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ विशेष तौर पे. सांवल पारंपरिक सिंध काफी और परंपरा को नई राह देते हुए स्पेनिश लिरिक्स भी इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं. आज से सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल होगी. जी म्यूजिक के द्वारा इसका लॉन्च किया जा रहा है. कैन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जी म्यूजिक ऑल्सो ऑन स्टेज प्लीज. बहुत भाग्यशाली है रीवा के इन सभी बड़ी हस्तियों का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है जिनमें से हर एक अपने आप में एक संस्थान का दर्जा रखते हैं. सो हियर इट इज सांवल, अवेलेबल ऑन ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड. वाला माझा मोठ्या प्रमाणात मी तिला अभिवंदन करतो आणि तिला आशीर्वाद देतो. ते फार प्रतिभावान कलाकार आहे, इतके प्रतिभावान कलाकार आहे की मैं उसको ले गया मेरे घर पे और दीदी को उसका गाना सुनाया. दीदी मतलब भारत रत्न लता मंगेशकर. तो उसने पहला एक ही शब्द कहा कि मैं इस लड़की को मैं प्रेजेंट करूंगी बाल, मैं इसको सादर करूंगी.
बस इसी एक ही बात में युवा कितने बड़े आर्टिस्ट हैं ये जाहिर हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि बड़ी प्रतिभाशाली कलाकार है, सुरीली है बहुत, लयकारा बहुत अच्छी है, प्यारा बहुत अच्छा गाती है और सभी प्रकार के गाने बहुत अच्छा गाती है। मैं उसको बहुत बचपन से देख रहा हूँ, मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। रीवा हमारी बेटी है और इसकी जो प्रतिभा है आपने सबने देखा है, मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व, पियानो में भी वैसे ही साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सब कुछ गाने में इसको भगवान की बड़ी कृपा है और माता पिता का संस्कार है। रूप भाई और सोनाली जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। Amrita ji, you being a singer would definitely like to comment something on her prowess, her skills and your wishes for her. A very good evening, Ridhanath ji, Rajan Sajan Mishra ji, other dignitaries and Roop Kumar ji and Sonali ji. In fact, Roop Kumar ji, ye mujhe lagta hai one of the बेस्ट कंपोजर्स एंड सिंगर्स है आज इंडस्ट्री में। एंड सोनाली जी इज इक्वली टैलेंटेड, आई लव्ड हर गजल्स व्हेन एवर शी रिलीज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मेनी मोर। एंड व्हाट एल्स कैन दे हैव, हु एल्स कैन दे हैव एज देयर चाइल्ड टू टेक द लेगेसी अहेड अदर देन यू, एंड यू हैव मेड देम प्राउड एंड हाउ, सो कंग्रेचुलेशंस, ब्यूटिफुल रेंडरिंग एंड यू हैव कवर्ड ऑल द एरियाज, यू हैव टच्ड every heart, whoever wanted whatever you've given them, and in fact you've given your best, that is the best thing about it, so congratulations. Namaskar, dignitaries on the dais, bahut bade bade kalakaron ke beech mein main khadi hu, ye to mera hi saubhagya hai, kya kahu, aap sabne bahut already sundar tareef ki hai, रीवा की, रूप जी की, सोनाली की, जिनके ये बहुत ही काबिल हैं। अंत में आने का यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है कि सब लोगों ने सब कुछ कह दिया होता है और फिर आते हैं तो चलिए थोड़ा सा कहेंगे तो भी चलेगा। मैं ये कहना चाहूँगी, रीवा एक छोटा सा हीरा है, चमकता हुआ हीरा, जो रूप जी और सोनाली जी ने बड़े प्यार से तराशा है, और ये चमकेगी, ये चमक रही है, चमकती जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं। बस ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम अमेज्ड एट योर रेंज, यू आर फैबुलस, कंटिन्यू टू शाइन एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑफ कोर्स योर गुरुज प्राउड, थैंक यू वेरी मच। मुझे बोलने के लिए वर्ड नहीं है, इतना अच्छा गाती है रीवा, बहुत प्यार करती है, मेरा घर का लड़की जैसा है, मेरी बेटी जैसा है, उसको बहुत आशीर्वाद देने के, सब क्लैप्स देने उसके लिए, एक बार आओ। मैं रंगमंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं और ऑडियंस में जो लोग आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, मैं सबका सर झुका के स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बेटी के बाप होने के नाते एक शेर मैं कहना चाहता हूँ कि गुल अब गुलिस्ता होने लगे हैं, गुल अब गुलिस्ता होने लगे हैं, जमी से आसमां होने लगे हैं, और बुढ़ापा इसलिए अच्छा लगा कि बच्चे अब जवां होने लगे हैं। थैंक यू। बहुत ही स्पेशल बच्ची है, वो क्या नहीं कर सकती, आई एम अमेज्ड कि वो गाती है, वो पंजाबी भी गा लेती है, मराठी भी गा लेती है, वो कर्नाटक म्यूज़िक भी गाती है, इंडियन प्योर इंडियन क्लासिकल भी करती है, फिर माइकल जैक्सन के गाने भी गाती है और मोजार्ट भी प्ले कर सकती है। इतना रेंज मैंने ऐसे छोटे से यंग कलाकार में नहीं देखा पहले, आई एम अमेज्ड इट हर, I think music just flows in her, it's in her blood, and she's going to shine, she's, I think she's just launched herself, and
She has a long way to go. She's going to be very famous, and I'm looking forward to hearing more and more from her. अच्छा सुंदर भी है, सुंदर भी है, इसलिए वीडियो में भी है. So she looks lovely. She sings beautifully. बहुत सुर में गाती हैं. And she's extremely talented. So I'm waiting to see where this little diamond will go. कहीं भी हो जाएगी. I mean, for somebody who's so talented, I don't know. I think we should let her fly and see where she goes, because it's like she's flowing with music. She's very sweet, very simple, very humble. ऐसी रहेगी तो वो चमकती ही रहेगी. बहुत बचपन से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वाकई इतनी बड़ी हो गई, इतना बड़ा शो, फैंटास्टिक, अमेजिंग. शी इज बीन वर्किंग सो हार्ड फॉर ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से बड़ी मेहनत कर रही है, और अब लग रहा है कि मेहनत रंग ला रही है, तो खुशी होती है. मैं समझ सकता हूँ कि रूप की और सोनाली की जो दिली स्थिति है वो कैसी होती है बच्चों को जब इस तरह से देखते हैं. आई थिंक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक पोटेंशियल, द रेंज इज वेरी गुड, एंड आई कैन ओनली विश हर ऑल द बेस्ट, बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट्स ऑल आई कैन से. ओके, अगर उनकी बात करें एल्बम सॉन्ग की जो उन्होंने आज लॉन्च किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं सावन से पहले से परिचित हूँ, तो मुझे तो मतलब वो मेरे जहन में काफ़ी अच्छी तरह से बस चुका है. सो आई कैन से इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस, इट हैज़ इट टचेस ऑल द इमोशंस, एंड शी हैज़ डन रियली वेल. शी हैज़ बीन एबल टू, एक गायकी कोई भी हो उसके अंदर एक टेक्निक होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इमोशन, एंड आई थिंक शी इज बैलेंस्ड इट ब्यूटीफुली. ओके सर, ये भी जानना चाहेंगे, बीइंग अ शेफ, आपका पर्सनल इंटरेस्ट कितना है सिंगिंग वगैरह में, कितना पसंद करते हैं? काफ़ी शौक है मुझे. अभी हम बात कर रहे थे कि जितने गाने वाले हैं उनको खाने का बहुत शौक होता है, और जो खाने अच्छा वाले होते हैं उनको संगीत से बड़ा लगाव होता है. तो अगर मेरे ऑफिस में अगर आएंगे तो वहाँ पर जहाँ मैं बैठता हूँ, तो वहाँ पे एक साइड में ड्रम किट है, दूसरे साइड में गिटार है, एक साइड में ऑक्टोपैड है, एक की बोर्ड है, तो पूरा ऐसे लगता है म्यूजिशियन का रूम लगता है, शेफ का रूम नहीं लगता. सो यस, आई लव म्यूजिक. दो लाइंस किसी गाने के गुनगुनाना, मैं म्यूजिशियन नहीं, ऐसे इतने सारे लोग यहाँ पे हो और ऐसे में ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए. खाना बनवा लो मुझसे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.